आज हम लोग आपको एक नई जगह पे काफी दिन बाद हम लोग खुद आए हैं तो वहीं पे लेके आए हैं। देखिए आपको भी दिखाते हैं, ये अलेन में पड़ता है, अलेन सिटी है, अबू धाबी में ही है। यहाँ पे एक पहाड़ी है जो माउंटेन, एक जो मशहूर वाली है, वहीं पे हम लोग आए हैं, जिसका नाम है जबल अफीन। तो अभी वो जस्ट शुरू होने वाली है पहाड़ियाँ, तो हम लोग मैप से ही फॉलो करके आए हैं। बाकी आपको दिखाते हैं आगे, काफी हाइट पे है, थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस रहता है सिटी से, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही आज कुछ था नहीं, चलते चलते आगे। कामया पीछे सो रही है, मुकुंद ये बैठा है और ना ऋतु ये। तो गाइस देर बाद आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ी थोड़ी ना नीचे हो गई लगती है, क्योंकि हम लोग जबल जैस करके जगह है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो वो थोड़े ऊंचे पहाड़ है और ये मिट्टी वाले पहाड़ लग रहे हैं मेरे को। अभी पता नहीं, हम लोग काफी टाइम के बाद आए इसीलिए, तो दिन में हम लोग आए हैं। अभी बाहर के रोड बहुत मस्त है, रोड आप देखिए कैसे इन लोगों ने बढ़िया टाइप बनाए हुए यूएई में। जा रहे हैं ऊपर, एक्चुअली सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए बोल रही हूँ मैं जल्दी जल्दी चलो, लेकिन पहाड़ी एरिया है, आराम से चलो, टाइम से पहुँच जाएंगे हम। जल्दी बस यही है कि मैंने अभी एसी बंद कर दिया ताकि पावर ज़्यादा लगे ना गाड़ी की, जो और 30 की स्पीड है लिमिट, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ। नहीं अभी है टाइम, 9 मिनट दिखा रहे हैं पहुँचने में, तो पहुँच जाएंगे आराम से। अभी 6:00 7:15 बजे सूरज डाउन होता है, अभी है ऊपर है वो, देखो ऊपर है लेकिन थोड़ा क्लाउडी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गाइस एक और पार्किंग एरिया यहाँ पे आया है, पॉइंट व्यू, यहाँ पे भी व्यू पॉइंट है, तो अभी हम थोड़ा टाइम रुक रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं व्यू वगैरह, देखते हैं थोड़े यहाँ पिक्चर्स फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे एक बिल्ला भी बैठा हुआ था, बिल्ला। तो गाइस फाइनली हम लोग, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये पॉइंट है हम लोग जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं, तो यहाँ से व्यू जो है ना बहुत ही मस्त दिखता है। ये पीछे अपनी गाड़ी लगी है और ये बंदे अपने फोटोज वोटोज ले रहे हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। तो ये देखिए मस्त वाला व्यू यहाँ पे, तो ये रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं अभी, देखिए कैसे एक पूरी लाइन दिख रही है और यहाँ पे हो रहा है सनसेट। तो अभी हम लोग को मेन पॉइंट पे जाना है, तो मेन पॉइंट जो है वो ऊपर है ना, तो यहीं पे हम लोग ने पार्किंग लगाई है, यहीं से हम लोग ऊपर जाएंगे। गांव में अंदर सो रही है, तो ऐसे एक दो पॉइंट और है, एक ऊपर और बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी है। गाइस वेदर हम लोगों ने जितना सोचा था ना उतना ठंडा नहीं है यहाँ पे देखा था हमने कल परसों 2 दिन बारिश हो रही थी, तो सोचा देख के आते हैं, लेकिन वेदर गर्म है यहाँ। हाँ वेदर गर्म ही था, तो मैं फिलहाल ड्राइविंग कर रहा हूँ साथ में, पहाड़ों में थोड़ी ड्राइविंग करना देख के करनी पड़ती है। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको बाहर के नजारे, हाँ मिलते हैं आपको ऊपर पहुंच। बीच बीच में यहाँ पे पूरे देखिए रेस्ट एरियाज बने हैं, थोड़ा जब मौसम ठंडा रहता है तो लोग यहाँ पे आके बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। काम में आई थिंक पीछे उठ गई है और मुकुंद उसको तंग करता है हमेशा की तरह। बस गाइस यही ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यहीं से हम लोग पहुंच गए मेन पॉइंट ऊपर है यहाँ पे जो दिख रहा है ना। तो गाइस यहीं पे पहुंच गए, देख लीजिए जगह ऐसी है, ऊपर से आएंगे तो पूरा ऐसा बना हुआ, आई थिंक ये कोई नया एरिया ऊपर जाने का कुछ रास्ता बना रहे हैं। अभी गामिया बाहर नहीं आ रही है, मुकुंद आगे निकल गया, ये यहाँ पे माँ बेटी बाहर ही लगे हुए अपना, अभी आई नहीं हो। तो गाइस यही देखने के लिए आए थे हम लोग। देखिए आगे दोनों जन, हेलो, गड्डी लॉक नहीं की ना मैंने, गाड़ी लॉक कर, क्या हुआ बेटा, पता नहीं अलाउड है कि नहीं यहाँ पे बैटरी वाला साइकिल, ये लेके तो आए अपना बट किसी को देखा नहीं है, तो यही पॉइंट देखना था ना दिन में रात। तो पहले हम लोग जब भी आए हैं तो रश रहता है ना सर्दियों में, आज रश नहीं है, मौसम भी इतना गर्म नहीं है, मुझे लगा था आज संडे, नीचे ज्यादा गर्मी थी यार, यहाँ पे गर्मी नहीं लग रही गाइस, पर नीचे ज्यादा गर्मी थी।
तो हम लोग अभी यहीं पे खड़े हैं, हम लोग मैं इनको बोल रहा हूँ दूसरी साइड पे चलते हैं। तो स्कूटर चलाना है तुम देख लो निकाल के, अगर फाइन लगा तो तुम लोग ही दोगे दोनों जन। तो ऐसे रेस्ट करने के लिए भी बने हुए हैं टेबल वगैरह, बैठ सकते हैं यहाँ पे। इनको स्कूटर चलाना है, फाइन खाना है मेरे को लगता है। यहाँ पे कोई और चला रहा है स्कूटर? यहाँ पे अलाउड नहीं है बेटा। तो ये सन तो इसके पीछे चला गया, देखते हैं अगर दिखेगा तो आपको भी दिखा देंगे। ये बहुत दूर है, देखिए ये पूरे घर दिख रहे हैं यहाँ से। तो ये पूरी अलेन सिटी है यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसके पीछे ही होटल था। अभी हम लोग दूसरी साइड पे चलेंगे। आज रश नहीं है ना यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है खाली खाली है। कभी कभी अगर सर्दियों में आओगे ना आप रात को ये टाइम पे, तो पार्किंग खड़े होने की भी पार्किंग नहीं मिलती है यहाँ पे। तो ये एक चीज बढ़िया लगी। बट आज यहाँ पे वेदर गर्म नहीं है यार, ठीक है वेदर, तो गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल लग रहा है। 38 दिखा रहा था बट मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, नीचे ज्यादा गर्मी लग रही थी। सनसेट भी हो रहा है ना, हाँ ठंडा है मौसम, थोड़ा और होने दो पूरा सनसेट हो जाएगा, फिर देखते हैं कैसा वेदर है यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग ये देखिए यहाँ पे और भी पार्किंग है, यहाँ पे पूरा एरिया पार्किंग वाला है, बच्चों का प्ले एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों को खेलना है एक्चुअली। थोड़ा टाइम खेलेंगे जब तक सनसेट नहीं हो जाता, तो बाद में चलेंगे। अपन इधर आ बेटा, गाड़ियाँ भी देख के चलेंगे, गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया, यहाँ पे गाड़ियों के टायरों के निशान लाइक थिंक ड्रिफ्टिंग की हुई लग रही है कुछ, पूरा राउंड बनाया है। तो ये इधर एक रेस्टोरेंट है गाइस, पता नहीं खुला है कि बंद है, रास्ता गर्मियों में क्या पता बंद हो जाए, क्या पता कुछ कैफेटेरिया है, इसको चाय वाय पीनी होगी। चाय तो पीनी है लेकिन मुझे लगता है बंद है। और चाय तो पीनी है, मेरा पर्स गाड़ी में पड़ा है, यहाँ पे कार्ड चलता है कि नहीं पता नहीं है, एप्पल पे में। एनीवे बाद में देखते हैं, पहले उधर जाके आपको उधर का दिन में नजारा दिखाते हैं, फिर रात। गाइस लास्ट टाइम क्या हुआ था, मुझे एक किस्सा याद आ गया। हम लोग उस टाइम पे रश के टाइम पे आए थे, छुट्टियां थी, तो यहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ है, एक ही दो है, तो लेडीज की साइड पे इतनी लाइन थी ना, इनको बहुत सुस्त लगी हुई थी पहले बच्चों को, तो वहाँ पे आधा पौना घंटा हमारा ऐसे ही वेस्ट हुआ था। और तब हमारे साथ वो भी आए थे ना, मानिक और प्रिंस, हाँ मेरे मामा जी का लड़का, और मेरे हम लोग के रिलेटिव है जम्मू में, वहाँ से उनका। तो ये बच्चों का प्ले एरिया, जाओ खेल लो, हम लोग यहीं पे थोड़ा है बैठे हुए, जाओ मुकुंद तुम। तो गाइस ये वाली साइड से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे नज़ारा, कौन सी साइड? ओमान, यहाँ पे ओमान का ही होगा, ये वाला एरिया ओमान का है आई थिंक, यहाँ से इधर जाके ओमान का एरिया है यार। कामया हमें ढूंढ रही है गाइस, ये देखिए कामया रिएक्शन देखना था गाइस उनका। मैं इसके अंदर घुसी हुई है, ये देखिए मैं उठी रॉक क्लाइंबिंग करने। तो गांव में फंस चुकी है गाइस, यहाँ पे नीचे नहीं उतरा जा रहा है इसे। गाइस सनसेट तो कुछ प्रॉपरली हुआ नहीं यहाँ पे, तो फिलहाल अपने बच्चा पार्टी जो है वो वहाँ पे जा रही है। तो इनको पानी पीना था, ये लोग पहले ही निकल गए यहाँ से, और मैं अभी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। तो गाइस ये अभी सनसेट के टाइम पे, ये देखिए ऊपर से वेदर, यहाँ पे मौसम कितना बढ़िया लग रहा है, और ये हमारा मंकी डांस हो रहा है। गाइस एक और चीज़ हम लोगों ने नोट की, वेदर देखो, यहाँ पे वेदर देखिए कितना मस्त हो रखा है, ऐसे लग रहा है सनराइज हो रहा है, लेकिन सनराइज नहीं, सनसेट इधर हो चुका है, लेकिन ऐसे लाइट आ रही है, लाइट इधर से आ रही है एकदम फेस पे, ऐसा लग रहा है कि इधर से सनराइज हो रहा है हमारे वहाँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेदर भी मस्त है यार यहाँ पे, वेदर धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, नीचे एरिया में गर्मी थी पूरे ग्राउंड लेवल पे, तो लेकिन वेदर मस्त है यार।
तो गाइस अभी जल्दी है थोड़ी मंचिंग, अंधेरा हो चुका है तो टाइम से आप लाया बहुत अच्छा। मंचिंग नहीं स्नैकिंग, वो ही मंचिंग हो गया, स्नैकिंग एक ही बात है। चिप्स मिले थे एक बनाना चिप्स, खा खा के यहाँ पे जगाड़े पे दर्द हो रही है बस, अभी बहुत हो गया। गाइस अभी रात को कुछ ऐसा दिख रहा है ये नज़ारा जो अभी पूरा दिन में था ना, यहाँ से देखिए जो नीचे का व्यू बिल्कुल चेंज हो गया, अंधेरा हो चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, मंचिंग वगैरह हो गई। तो गाइस अभी यही जगह को बाय बाय बोलना कि नहीं, अभी इनको यहीं पे रहना है, इनको यहीं पे रहना है दोनों को, इनकी छुट्टियाँ जब खत्म हो जाएंगी नीचे आ जाना चार में, ठीक है। तो गाइस ये बढ़िया सी जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, हम लोग गाड़ी निकाल के जा रहे हैं आगे। बहुत ही अच्छी जगह थी, काफी साल बाद आए हम लोग, फिर आएंगे सर्दियों के मौसम में। वेदर अच्छा था ना यहाँ पे, वेदर अच्छा है, जाने का दिल तो नहीं कर रहा है नीचे क्योंकि पता है नीचे गर्मी होगी लेकिन जाना पड़ेगा अभी तो, अभी थोड़ा देर घूमेंगे नीचे, खाना वगैरह खाना है बच्चों ने तो उसके बाद हम जाएंगे शारजा। तो गाइस अभी पहाड़ वगैरह पूरे खत्म हो गए हैं, सामने पूरा फ्लैट रोड। तो गाइस ये पीछे यहाँ पे देखिए यहीं से आए हम लोग, यहाँ पे पूरी ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया में होता है ना अपने पहाड़ों पे वैष्णो देवी साइड, आई थिंक दिख नहीं रहा है ट्रीज के पीछे है शायद। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली हम लोग अपने घर पे वापस पहुंच गए हैं, तो इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं और होप करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जो सनसेट हमने दिखाया और वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया हमको और बहुत ही अच्छा दिन था आज, गर्मी वहाँ पे वेदर थोड़ा डिफरेंट था। और यहीं पे हम लोग ब्लॉग का इसी के बाद एंड करें और कमेंट करिया करिए जरूर और सपोर्ट करें हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर और चैनल। बाय 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 बाय, इसी के साथ ब्लॉग का एंड यही होता है।